नमस्कार, बीसीएन न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ साल 2020 अब कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन के साथ खत्म हो रहा है। साल 2020 भारत सहित दुनिया के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। कोरोना से जूझते संकट के बीच देश कई राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह बना है। नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ साल 2020 अब कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के साथ खत्म हो रहा है। साल 2020 भारत सहित दुनिया के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। कोरोना से जूझते संकट के बीच देश कई राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह बना। एक तरफ देश की प्रमुख पार्टी बीजेपी बिहार के साथ कई अन्य राज्यों में सत्ता पर वापस आई, तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही। कई दशकों से लंबित राम मंदिर की नींव भी इसी साल 2020 में ही पड़ी। चलिए बताते हैं आपको इस साल की कई बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीति के फलक में आए कई नए चेहरों के बारे में। केजरीवाल सरकार की हैट्रिक भी इसी साल हुई। साल 2020 की शुरुआत ही नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन के साथ हुई थी। इसी बीच दिल्ली के चुनावी बिगुल बजा और फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत कर तीसरी बार दिल्ली की सत्ता काबिज की। इस चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को 0 मिली थी। साथ ही मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के साथ 2020 के मार्च आते आते मध्य प्रदेश में एक नया सियासी उठापटक शुरू हुआ। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता पर काबिज हो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के 25 विधायकों ने बगावत कर इस्तीफा दे दिया और संकट के बीच ही 25 विधायकों की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीत गई। और इसी साल बीजेपी की कमान नए हाथों में गई है। अमित शाह को मोदी ने 2.0 की कैबिनेट में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा को सौंप दी। उन्होंने अपना पदभार 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी के स्थापना दिवस पर संभाला है। नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा शासित सरकारों को कामयाबी मिली। दशकों से लंबित राम मंदिर निर्माण की नींव भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों में ही राजनीतिक एजेंडों में सबसे ऊपर रहने वाला ये एजेंडा था और राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूरा हुआ है। वैसे ही राम मंदिर निर्माण से जुड़ी कानूनी अड़चने तो पिछले साल ही खत्म हो गई थी, लेकिन अन्य कारणों से मंदिर निर्माण की शुरुआत नहीं हो पाई थी। 2020 के 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। बिहार चुनाव में भी इसी साल 2 नए चेहरों का उदय हुआ है। कोरोना संकट के बीच बिहार में हुए 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एनडीए गठबंधन ने 125 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए बिहार चुनाव एक अग्नि परीक्षा थी, जिसमें वो सफल हुए हैं। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस चुनाव में राजद के तेजस्वी यादव बड़े नेता के तौर पर भी उभरे। उनके तीखे प्रचार और सरकार पर सवाल करने की शैली ने बिहार में बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इसी चुनाव में एनडीए से बाहर होकर चिराग पासवान ने अलग ताल ठोके और हालांकि उनकी पार्टी चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर पाई, फिर भी युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद जगह जरूर बनाई। 22 साल की दोस्ती भी इसी साल टूट गई। इस साल लगभग 22 सालों से चली आ रही भाजपा और अकाली दल की दोस्ती टूट गई है। अकाली दल कृषि विधेयक का नाम पर एनडीए से अलग हो गया और गौरतलब है कि केंद्र सरकार सितंबर माह में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब वो कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा। इसी कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया और इस तरह भाजपा और अकाली दल का दशकों पुराना रिश्ता खत्म हुआ। साथ ही आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होना साल की एक प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम है। धारा 370 हटने के बाद यह पहला मौका है जब वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है। इसी चुनाव में वहां की आम जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और घाटी में एक बार फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई।
इस चुनाव में वहाँ की आम जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया और घाटी में एक बार फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी बहाल हुई। इस चुनाव में भाजपा में घाटी में भी कमल खिलने में सफल हुआ है। इस चुनाव में भाजपा के सामने गुपकर गठबंधन था जिसमें सभी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। साथ ही किसान आंदोलन की धधक से दिल्ली बेहाल हुई। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर माह में लाए गए 3 नए कृषि विधेयक जो अब कानून बन चुके हैं, एक तरफ तो भाजपा का अकाली दल के साथ 22 सालों की दोस्ती तोड़ दी तो दूसरी तरफ देश भर में किसान सड़कों पर विरोध में उतर आए। किसान अब कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानूनों से किसानों को नुकसान है और निजी खरीदारों व बड़े कॉरपोरेटर घराने को फायदा होगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर है। कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर के अंत में पंजाब में शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली के चौखट पर आ पहुंचा है। किसानों ने दिल्ली हरियाणा के सिंघ बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को कब्जे में भी लिया। किसानों और केंद्र के बीच 6 दौर की वार्ता भी हुई, इसके बावजूद कृषि कानूनों पर गतिरोध कायम है। अगर साल 2020 को आंदोलन का साल कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला यही रुकने का। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।